करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल स्पीकर मैम और हमारे साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री जी, अडवाणी जी, खड़गे जी और हमारे बहुत सारे मंत्रीगण बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। सर, एक असमंजन और उलझन में हूँ। असमंजन ये है कि हम जब हुकुमदेव जी की तरफ देखते हैं, नजमा जी की तरफ देखते हैं और हमारे बंधु गुलाम नबी की तरफ देखते हैं, तो सोचते हैं कि हम 10 मिनट का भाषण दें या हमको जो 2 मिनट दी है 2 मिनट का भाषण दें। अब 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑनरेबल हैं तो ये भी भय लगता है कि कहीं घंटी बज जाएगी तो फिर रेल की पटरी डीरेल हो जाएगी, क्योंकि रेल मंत्रा में रहा हूँ, उसी रेल की हमेशा याद आती है। मगर चूंकि टुडे आई हैव गॉट द अवार्ड एंड द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, आई विल ट्राई टू स्टिक टू द लिमिट विच हैज बीन गिवन टू मी। एंड स्पेशली आफ्टर हुकमदेव ने जो कहा, तालियां बजा सकते, उस पर कोई GST नहीं है, वो याद दिलाता है कि जब धोनी आते हैं, बैटिंग करते हैं और सिक्सर पे सिक्सर मारते हैं, उसके बाद बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल का काम तो ज़रूर है। When you reflect back in life, you realize that there are so many occasions which come in everybody's life. Today is one such occasion where, like Najma ji said, you feel humbled and you truly feel how much you have learned from this Loktantra ka mandir jisko kehte hain, and you also realize how much more you have to learn in life, and you really feel very humbled. But I am sure with this experience एक बात तो माननी ही पड़ेगी, पूरी दुनिया जिसको मानती है, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज का ये अवसर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का है। बोलने की इच्छा तो बहुत है मगर ये अवसर ऐसा है कि मैं सिर्फ धन्यवाद करूं। सबसे पहले ऑनरेबल स्पीकर और इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा। मैं आभारी हूं हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता दी का और बंगाल की जनता का, जिन्होंने मुझे इस पार्लियामेंट में आने का मौका दिया। यदि वो मौका ही नहीं मिलता तो अवार्ड तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तहे दिल से ममता जी का, सैकड़ों करोड़ों जनता बंगाल की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का बहुत ही आभारी हूँ। आभारी हूँ मैं मंच में विराजमान देश के महानुभवों का, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा अपने माता और पिता को दिया है, अपने गुरु को दिया है। हकीकत तो ये है कि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। तभी कबीर का ये दोहा याद आता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो मैं माता पिता और हमारे गुरु, उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार दिए जिसकी वजह से इस पुरस्कार के काबिल में बन सका। मैं अंत में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज
इस ऐतिहासिक भवन में गुणीजनों के बीच बोलने का मौका मिल रहा है। हमारे पूर्वजों ने, और यदि हम इस संसद की बात करें, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड यू कैन नॉट थिंक कि कितने साल लगे, बाबा साहेब अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, नेताजी, ये हमारे इतने सारे लीडर, और ख़ास करके जो लीडर ने हमें जो संविधान दिया, कैन यू इमेजिन फॉर 2.5 years और मोर देन दैट दे कैरीड ऑन विदाउट इंटरप्शंस, दे बॉदर्ड अबाउट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ईच एंड एवरी मेंबर्स कंट्रीब्यूशन वॉज देयर, एंड यू कुड शट योर आइज, आँख बंद करके, इफ यू पुट योर फिंगर ऑन एनी ऑफ दैट मेंबर, दैट मेंबर वॉज केपेबल टू लीड दिस कंट्री। हमारे पूर्वजों, उनकी बात करते हैं, उन्होंने अपने बलिदान देकर हमें ये मजबूत लोकतंत्र दिया है। हमें सोचना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र का मंदिर की नींव को मजबूत बनाना हम सबका कर्तव्य है। इस मंदिर की पूजा अर्चना तभी संभव हो सकती है जब हम साधारण नागरिक के सुर के साथ अपना सुर मिलाते हैं, उनका दुख दर्द, उनकी दुविधा समझते हैं। इस मंदिर को सुरीला बनाने के लिए आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दिनेश त्रिवेदी जी। और अब